के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे अच्छी खबर जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज जो अपडेट निकल के आ रहा है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट पॉजिटिव गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो चुका है और 22,000 पदों पर होगी व्यापम में सबसे बड़ी भर्ती। तो छात्रों के लिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है, आप सभी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। जी हाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियां जो है निकल कर आ रहे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से आप सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक लंबी और कब एक बहुत बड़ी भर्ती जो है निकले और किस तरीके से हमारा सिलेक्शन जो है होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आप सभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे और आप लोगों का आंदोलन काम आया और एसआई भर्ती परीक्षा जो है पूर्ण रूप से 29 जनवरी को कंप्लीट एग्ज़ाम्स आपका हो चुका है। अब आने वाले समय की बात करें तो अगले इसी साल आपके 2023 में नवंबर और दिसंबर महीने में, जी हाँ नवंबर और दिसंबर महीने में आपके जो है इलेक्शंस होने वाला है, चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का। तो इससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आप लोगों के लिए निकाले जाएंगे और एक के बाद एक जो है फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं जिससे आपको जो है जॉब मिल सकता है और आपकी कैरियर जो है बन सकता है और आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो 22,000 पोस्ट जो है कौन कौन से पोस्ट होंगे और आप जो है इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, सभी जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना ताकि आपको कंप्लीट रूप से जानकारी मिल सके। तो 22,000 पदों पर होगी सबसे बड़ी भर्ती 2023 में और यह 2023 आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, आपके ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं और व्यापम में ही भर्तियां जो है होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इम्पॉर्टेंट भर्तियाँ की बात करें कि कौन से भर्ती परीक्षा जो है निकाले जाएंगे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है एडीओ के, इसके साथ एबीओ का भी, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी का भी होना है। तो एडीओ का भर्ती है और एबीओ का भर्ती है, एडीओ के भर्ती प्लस एबीओ। तो एडीओ के भर्ती की बात करें तो एडीओ के कुल टोटल 250-250 पदों पर भर्ती होना है। वहीं एबीओ की बात करें खंड विकास अधिकारी के, तो इसके लिए 198 पदों पर जो है भर्तियाँ होनी है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियां, एक के बाद एक आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकाले जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फ़ायदा, बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को जो है मिल रहा है। तो 22,000 पदों पर होगी भर्ती। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे हर एक स्टूडेंट मेहनत करें और अभी से जो है तैयारी करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी से अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप बाद में ये सोचेंगे कि मैं बाद में मेहनत करूँगा, बाद में तैयारी करूँगा, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। उस समय आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए अभी आपके पास समय है गवर्नमेंट जॉब लेने का, गवर्नमेंट वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का, आगे बढ़ने का, और आप जो है निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ 2023 में चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो चुका है, इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए व्यापम के द्वारा भी एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ 22,000 पदों पर भर्ती जो है होना है। इसके साथ होमगार्ड के भी भर्ती होना है, होमगार्ड के जो है छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 1715 पदों पर जो है भर्तियाँ आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। बस हमें क्या करना है, हमें बस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, हमें सिर्फ मेहनत करना है। हम क्या करते हैं, हम मेहनत ही नहीं करते, हम प्रिपरेशन ही नहीं करते, तैयारी ही नहीं करते और सिर्फ सपने सजा बैठे रहते हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा, मैं सफल हो पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा। तो ज़रा सोच के देखिए, बिना मेहनत किए आपको क्या मिलेगा, बिना मेहनत किए, बिना आपने परिश्रम किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए जो है कामयाबी के लिए मेहनत तो करना ही होगा। तो मेहनत करना आपके हाथ में है, सफलता ज़रूर मिलेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, तो नई नई भर्तियाँ, नई नई वैकेंसीज आएंगे। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट के ये ओपिनियन रहता है, ये सोच रहते हैं कि वैकेंसीज तो नहीं आएंगे, लेकिन ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, वैकेंसीज नहीं आएंगे ऐसा, वैकेंसीज आएंगे।
जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा हुआ है, ठीक इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट के लिए टीचर भर्ती परीक्षा के लिए भी 12,489 पदों पर टीचर्स की भर्ती होना है। इसके लिए भी जल्द ही वैकेंसीज हम सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना है। तैयारी करने से, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत हटो। आज है आपके पास समय, तो आज ही मेहनत करो, क्योंकि समय आपको बार बार मौका नहीं देगी। इसलिए स्टडी पर फोकस करना है, प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, और हमें सिर्फ मेहनत करते रहना है। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका हमें एक बेहतर, एक अच्छा परिणाम, एक सुनहरा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, और हमारे सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हम सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की स्टडी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो व्यापम में इसी तरह से एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो है निकल कर आने वाला है। तो बस मेहनत करना है, तैयारी करना है, और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा, और आप जो है सक्सेस ज़रूर हो पाएंगे। और आपको सक्सेस, कामयाबी, सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफलता ज़्यादा दूर नहीं है, आपको सफलता जो है निश्चित तौर पर मिलने ही वाला है। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, आज नहीं तो कल आपको सफलता, कामयाबी, प्रसिद्धि जो है मिलने वाला है। बस तैयारी करना शुरू कर दो, और खूब लगन के साथ, खूब मेहनत के साथ तैयारी करना है। और तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुई घोषणा की शुरुआत हो चुका है, इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और इसका एक बेहतर रिजल्ट आप ही लोगों को मिल पाएगा। तो ये 2023 आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और यही समय है 2023 में आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, ऊँचाइयों को पा सकते हैं, कामयाबी को जो है आप पा सकते हैं। तो यदि आपको कामयाबी को पाना है, तो बस तैयारी करना शुरू कर दो, आज से ही प्रिपरेशन करो, और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, डेली के जीके, करंट अफेयर्स, यही सभी जो बेसिक होते हैं, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तो जितना हो सके करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो है आने वाले हैं, बस मेहनत करना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो बस तैयारी अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो, आपको सफलता, कामयाबी, प्रसिद्धि जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्तियाँ जो है होने वाला है। तो 2022 जा चुका है, 2023 आ चुका है, 2023 में आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, तैयारी करना है। तो तैयारी करने से पीछे मत हटो, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव जानकारी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।